साइबर सिटी गुरुग्राम में दबंगों की दबंगाई इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें कानून का भी खौफ नहीं। गुरुग्राम की धर्म कॉलोनी का एक मामला सामने आया है, जहां एक समाज सेवी देव को इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाना इतना महंगा पड़ गया कि उसके हाथ पैर ही तोड़ दिए। इतना ही नहीं, दबंगों ने ये भी कह दिया कि यदि शिकायत वापस नहीं ली तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कूड़ा उठाने वाली कंपनी इको ग्रीन का यह कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई शिकायतें लगातार शहर के जनप्रतिनिधि व शहर के निवासी सफाई व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इको ग्रीन कंपनी के तार इतने ऊपर हैं कि उनके निगम के अधिकारी क्या सरकार भी इस मामले में बेबस नजर आती है। ताज़ा मामला अब गुरुग्राम की धर्म कॉलोनी का है, जहां इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ शिकायत करना एक समाज सेवी को इतना महंगा पड़ा कि दबंगों ने उसके हाथ पैर ही तोड़ दिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर दो दबंग सवार होकर आते हैं और एक देव नाम के व्यक्ति को अपने ऑफिस के बाहर से ही झाड़ू लगाते समय CCTV के कैमरे की नज़रों से दूर उठाकर ले जाते हैं और फिर ऐसी बेरहमी से पिटाई करते हैं कि पीड़ित के हाथ और पैर ही तोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद दबंग फरार हो जाते हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित की पत्नी ममता का कहना है कि इको ग्रीन कंपनी के नाम पर वार्ड में कूड़ा उठाने के नाम पर ही घर से अवैध वसूली की जा रही थी। जब उसके पति ने इको ग्रीन कंपनी के खिलाफ ये आवाज़ उठाई तो नवीन यादव उस शिकायत को वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब शिकायत वापस नहीं ली तो दबंग नवीन यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे पति के हाथ पैर तोड़वा दिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इको ग्रीन कंपनी के नाम से कूड़े के नाम पर नवीन यादव जबरन वसूली करते हैं। कई साल से चल रहा है इनका इको ग्रीन का है। अब ये आके कहते थे तू इस केस में वापस ले ले, तू इस केस में वापस ले ले, ये केस में वापस नहीं लेता। इन्होंने ये किस किया कि इको ग्रीन केस में धमकी भाई सरकारी गाड़ी आनी चाहिए, आप पर्ची काटो, पर्ची काटो, उसकी पर्ची दो, उसके और उसकी हाँ उसकी पर्ची काटो, वो जो हम उसके हिसाब से वो देंगे। बंदे थे हर गैल 200 किसी से 250-300 रुपए ले रहे हो, तुम यो मत लो, यो उसके खिलाफ चल रहा था है। और इसने धमकी दी है बार बार घर पे आके, और इसने हर एप्लीकेशन SP ऑफिस में, DC ऑफिस में, सब जगह इसने हर एप्लीकेशन लगाई है और कहीं से भी सुनवाई नहीं की। ये हुआ था डेली, ये अपना ऑफिस के आगे झाड़ू निकालते थे, उनके लिए रेडी हो रही थी, बच्चों को रेडी कर रही थी और ये झाड़ू निकाल रहे हैं। 5-6 लोग बाइक पे आए हैं और ये जानते हैं उसको, जो एक रेड टी शर्ट में येल्लो कैप है, ये ऐसी बात करे नॉर्मल बात करते हुए एक ने इनको कॉली भरी है और इधर ले जाके जहाँ कैमरा नहीं है उधर ले जाके इन पे जानलेवा हमला कराए, इनको मारने की सीधी धमकी दी थी और आज वो काम ये कर दिए। पता नहीं कैसे किस्मत से आज मेरे पति की जान बची है, अभी हॉस्पिटल में पड़े कोलंबिया से। हमकी दो टांगे तोड़ दी है, एक हाथ पूरा तोड़ दिया है और अंदरूनी कितनी चोट मारी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अंदर थी, यहाँ से पड़ोसी सारे भागे, मैं तो आवाज़ सुन के कि किसका शोर हो रहा है, मैं वो आवाज़ सुन के आई हूँ, देखी तो मेरे पति यहाँ एकदम पड़े पे हो। तो इनके मैटर पे शिकायत दी गई है कि ये कूड़ा जो है प्रॉपरली उठे, जो चार्ज है वो उतना लिया जाए, इस मैटर पे शिकायत दी गई है। अच्छा, तो आज इस पे हमला किया है इन्होंने? हाँ, आज हमला हुआ सुबह से। इससे पहले भी धमकी दी है कहीं? इससे पहले भी एक दो बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, लड़ाई झगड़ा ये देव भाई के साथ हुआ है और ये इको ग्रीन की गाड़ियों के ऊपर हुआ है। तो इको ग्रीन काम नहीं कर रही, इसके खिलाफ हम भी आवाज़ उठाते रहे हैं, हम भी सदन की मीटिंग में भी हमने आवाज़ उठाई है कि इको ग्रीन काम नहीं कर रही है, पर हमारी मजबूरी है क्योंकि हम इको ग्रीन को नहीं ठेका देते, वो उसका काम है, निगम का काम है या इको ग्रीन कंपनी का काम है, वो उनको ठेका देते हैं। यहाँ पर नवीन ठेका ले रखा है, उसके लिए देव भाई आवाज़ उठा रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। अब उनका झगड़ा क्या हुआ उससे मुझे इस बात का कुछ नहीं पता कि उनका क्या झगड़ा हुआ है। हम तो इको ग्रीन के खिलाफ हम 35 वार्ड मिलके हमेशा ही सदन की हाउस की मीटिंग में मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान अब तक हुआ नहीं। नवीन यहीं काटरपुरी गाँव का रहने वाला है, बस मैं इतना ही जानती हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हमारे खिलाफ, उनके चाचा ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शनों के ही खिलाफ उसमें
मेरे भाई को जो आज देव भाई के साथ हुआ है 2018 में मेरे भाई के साथ भी हो चुका है। 2018 में मेरे भाई को मारा, अब देव भाई को मारा, तो उनका तो काम यही है। वो निगम से ठेका लेता है और अपने यहाँ पे काम करता है, हमारा उससे कोई पारिवारिक संबंध भी हमने 5 साल से ख़त्म कर रखा है। पर कुछ तो अपोजिशन वाले बीच में रुकावट डालते रहते हैं, कुछ ये निगम ने नवीन को जो ठेका दिया है इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमने एक बार 2018 में आवाज़ उठाई थी कि भाई हमें इससे काम नहीं कराना, तो नवीन ने एक मतलब दूसरे किसी आदमी को ठेका दिया गया था, तो उसमें नवीन ने इतनी मतलब मारपीट शुरू कर दी थी और कूड़ा नहीं उठने दिया था, इसलिए खुद जो इको ग्रीन वाले थे वो आके खुद हमसे कहने लगे कि भाई ये काम नहीं होने दे रहा। और हमारा भी इतना वो हो गया था कि वार्ड में कूड़ा ही कूड़ा हो गया था, वो कूड़ा नहीं उठना दे रहा क्योंकि वो तो गुंडागर्दी करते रहते हैं, उन्होंने पूरे वार्ड को बहुत बुरा हाल कर दिया था, इसलिए हमें मजबूरी में आके और इको ग्रीन के दबाव में आके हमने उनको ठेका देना पड़ा। मैं तो कहती हूँ कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ होनी चाहिए। जो 2018 में मेरे भाई के साथ हुआ उसको भी अब तक इंसाफ नहीं मिला है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, देव भाई को भी इंसाफ मिलना चाहिए और हमारे वार्ड से ये गुंडागर्दी खत्म करके और जिन्होंने भी ये काम किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अभी हमारी 11 अक्टूबर को सदन के हाउस की मीटिंग होनी है, उसमें भी मैं ये मुद्दा उठाऊंगी और मैं जो भी हमारे यहाँ ठेकेदार काम कर रहा उसको हटाने के लिए पूरी कोशिश करूँ। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।